अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हे भगवान, कहीं कहीं उस टेररिस्ट ने विधि को कुछ कर ना दिया हो। मुझे विधि की बहुत चिंता हो रही है, कहाँ होगी? ढूंढना पड़ेगा। मेरी ये सब चीजें एंजल आंटी के सामान में कैसे आई? जूजू भैया, आप भी भगवान से प्रे करो ना कि मौली आंटी हमारी माँ बन जाए और अम्मे माँ उनकी हमेशा रक्षा करे। काम हो गया है। चैन से बात भी नहीं करने देते। हे अम्मी माँ, मौली आंटी की रक्षा करना। वाह जूजू भैया, कितनी अच्छी बांसुरी बजा रहे हो आप। हे अम्बी माँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे हराने के लिए जिंदा रखा था क्या आपने? नहीं अम्बी माँ, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है, मुझे वंश के पास जाना है। मिस माथुर, मिस माथुर, आपकी बांसुरी से तो भगवान हमारा काम बना ही देंगे। और तेज बजाओ जीजू भैया, और तेज। अपने आप को बेकसूर साबित करना है, सिया और उसकी गैंग को गिरफ्तार करवाना है। मुझे जाना है अम्बे माँ, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज माँ। दिख नहीं रहा कि मैं फोन पे बात कर रही हूं? आज तो जश्न मनाने का दिन है, अब तक तो वो विधि माथुर मर चुकी होगी, पर अभी हमें और चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि वो वंश पुलिस की मदद कर रहा है। ये सब हुआ उस विधि माथुर के कारण है, पर ठीक है, कम से कम उसका किस्सा तो खत्म हुआ। मेरी बांसुरी तोड़ दी थी आंटी ने, उसमें मेरी माँ का प्यार था। भैया, आपकी माँ का प्यार फिर से आ गया। अब कान्हा जी के लिए बांसुरी बजाओ। मिस माथुर, पंच की आवाज। मैम, मिस माथुर मिली क्या? सारे फ्लोर चेक कर लिए ना आपने? नहीं, विधि अब तक नहीं मिली, लेकिन विधि यही है, इसी हॉस्पिटल में। मेरी टीम ने बताया कि उसके फोन की लास्ट लोकेशन इसी हॉस्पिटल की है। मिस माथुर कहाँ है यार? पता नहीं क्यों मुझे मिस माथुर इतनी अच्छी लगने लगी है।
मेरा छोटा सा परिवार है, दो बच्चे हैं, एक पत्नी है, लेकिन फिर भी मैं क्यों इस माथुर को पसंद करने लगा हूँ? इस माथुर कहाँ हैं आप? मुझे छोड़कर नहीं जाने दूंगा। आंटी को मैं पूछूंगा कि माँ ने मेरे लिए कुर्ता और बांसुरी दी थी, वो उनके पास कैसे आई? जूजू भैया, हो सकता है मौली आंटी हमारी माँ है। हम उन्हें अम्बे माँ की कसम खा के कहेंगे कि हम जो सोचे वो सच है क्या? अंकल, आपने अंजल आंटी को देखा? अरे बेटा, मैं खुद बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ है, कहाँ है एंजल आंटी, बताओ। ये सब बेचारे पल के बिछाए विधि माथुर का इंतजार कर रहे, पर सिर्फ मैं जानती कि बेचारे विधि माथुर तो हमेशा के लिए पंच, सुनना, मैं कब से विधि को कॉल करने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे पता है विधि कहाँ है। अच्छा सुन, मैं ना विधि के लिए सारे कपड़े लेके आया, सारे फंक्शंस के, देख, हल्दी, संगीत, मेहंदी और फेरे, हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग जोड़ा लेकर आया हूँ। और मेरे अंदर ना ये एक्साइटमेंट ना मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, मुझे विधि को दिखाने हैं, लेकिन उससे पहले तुझे दिखाऊंगा, रुक। ये देख पंच, विधि के संगीत के लिए कैसी है? अच्छी है ना? अरे बोलना। मिस माथुर ये साड़ी नहीं पहन सकती, मिस माथुर तेरे से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वो इस बात अब इस दुनिया में नहीं है, मर चुकी है वो।
वंश, देख अगर तू ये मजाक कर रहा है ना मेरे साथ तो ये मत कर प्लीज। प्लीज पापा, अजय मत झूठ बोलो। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। मर चुकी है वो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ऐसा नहीं कर सकते। वंश, ये क्या कह रहे हो तुम? विधि ऐसे कैसे मर सकती है? बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल जो लोग थे उनको पकड़ने के चक्कर में इस बात ने अपनी जान गंवा दी। वो कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थी, स्पेशल टास्क फोर्स की एक अंडरकवर एजेंट थी। यहाँ हवेली में टेररिस्ट को पकड़ने आई थी और वो उन्हें पकड़ने के बहुत करीब ही थी, लेकिन वर्क में माइनस डिग्री में उसको बंद कर दिया। जब तक मैं पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, बताइए। रुक जाओ वंश, वंश स्टॉप इट, वंश रुक जाओ, वंश रुक जाओ। अभी इंजेक्शन लगाऊंगा ठीक हो जाएगी। वंश स्टॉप इट, हाथ छोड़ो मेरा। वंश स्टॉप इट, क्या है? दीदी नहीं रही, खो दिया है हमने इन्हें। देखो पल्स भी नहीं है इनकी। इस बात ने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इतनी होनार, इतनी होशियार लड़की इतनी कम उम्र में चल बसी। हे भगवान, ये मातम के आंसू, ये रोना धोना, वाह कितना मजा आ रहा है ये सब सुनकर। अब कोई कभी मेरा राज जान नहीं पाएगा। विधि के साथ साथ मेरे खिलाफ हर सपूत भी मिट गया। अब क्यों चली गई हमें छोड़कर? हाँ मौली आंटी, इस घर में पापा के लिए आप ही तो थे जैसे हमारी फिक्र थी, तो प्यार करती थी हमसे। इतने कम टाइम में मिस माथुर बच्चों के कितने करीब आ गई थी, बेचारे टूट गए उनकी मौत से। मुझे बच्चों को संभालना पड़ेगा। लो पानी पी लो। नहीं चाहिए। आप मेरे हीरो पापा, और हीरो तो कभी किसी को सैड नहीं होने देते, किसी को मरने नहीं देते, फिर आपने एंजल आंटी को कैसे मरने दिया? बचाया क्यों नहीं उन्हें? आप फिर कैसे हो सकते हो पापा? सालों पहले दिल्ली माँ को पहुँचाने में भी आप फेल हो गए थे, और आज एंजल आंटी को भी बचाने में आप फेल हो गए। तुम सही कह रहे हो बेटा, फेल हो गया मैं, और उसके लिए हर सजा छोटी है मेरे लिए। हर सजा छोटी है, हर सजा कम है, हर सजा कम है मेरे लिए। पापा चुच्चू बजा, रुक जाइए, ये गलत है। भैया आपको पापा को ब्लेम नहीं करना चाहिए। देखो ना पापा भी मौली आंटी के जाने से कितने सैड हैं। दर्द में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना ही किसी को खुशना चाहिए।
के साथ। जूनियर, ये तो वही कुर्ता ना जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए सिया था। ये 5 साल से ढूंढ रहा हूँ मैं इसको, ये तुम्हारे पास कैसे आया? मौली आंटी के सामान में से जूती भैया को ये मिला। क्या? यही नहीं पापा, मुझे बांसुरी भी मिली। ये तो सवाल मैं पूछना चाहता था एंजल आंटी से कि मेरी माँ की बनाई चीजें उनके पास कैसे आई, लेकिन जवाब देने से पहले ही वो हमें छोड़कर चली गई। मेरी विधि की बनाई चीजें मिस माथुर के सामान में कैसे आई, ये कैसे हो सकता है? हेलो किन्नी, मैं ऑफिसर संजीवनी के यहाँ हूँ, उन्हें संभालने आई हूँ। जब तक मैं घर वापस नहीं आ जाती सबका ख्याल रखना, ठीक है? ठीक नहीं हुआ, कोई ऐसा कैसे कर सकता है मिस माथुर के साथ? और आपने बिना पोस्टमार्टम कराए उनका अंतिम संस्कार कर दिया, क्यों? हो सकता है कोई सुराग मिल जाता, कोई कुछ कुछ पता चल जाता। चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन उसके लिए अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकती। अब मैंने ये केस क्लोज कर दिया है और अब मैं हमेशा हमेशा के लिए बाड़मेर छोड़कर यहाँ से जाना चाहती हूँ। चलो, सही बहाना बना दिया, अब आराम से इस हवेली के आउटहाउस में बैठकर जश्न मनाऊंगी। पर लकी कहाँ रह गया? अब तक तो उसे उस विधि माथुर की मौत की खबर मिल ही चुकी होगी। हेलो, कहाँ हो तुम? पलट के देखो, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैम आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? उन लोगों ने आपकी बेटी आपके पति को मार दिया, उनको बिना सजा दिलाए आप यहां से कैसे जा सकती हैं? मैम अपने लिए ना सही तो अपनी बेटी अपने पति के लिए, इतनी जल्दी हार मत मानिए मैम। मैं यहां रुकू तो किसके लिए रुकू वंश, किसके लिए, किसके लिए लड़ू वंश? मैं अब पूरी तरह से टूट चुकी हूं, हार चुकी हूं मैं।
अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अब लड़ू तो किसके लिए लड़ू? दाव पे लगाऊं तो क्या लगाऊं? कैसे उन गैंगस्टर का सामना करूं? कैसे लड़ू मैं उनसे? अब कुछ नहीं हो सकता वंश, कुछ नहीं। अपने इस दर्द को अपना हथियार बनाइए मैम, और उन्हें सजा दिलाइए, वरना आपकी बेटी को कभी शांति नहीं मिलेगी। अब मैं कुछ नहीं करना चाहती, कुछ नहीं। अब मैं बस शांति चाहती हूं, सिर्फ शांति। कोई अपनी बेटी को ऐसे खोने पर हार कैसे मान सकता है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस माथुर संजू मैम की बेटी नहीं थी।